आपके साथ शरद आगरा। आइए देखते हैं एक्सप्रेस स्पेशल में कुछ खास खबरें। बात करते हैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ के कवर्धा की, जहां पर स्वास्थ्य की सुविधाओं को सुधारने के लिए सालों से कोशिशें की जा रही है, लेकिन हालात ज्यों के तो बने हुए हैं। यही वजह है कि मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में हजारों रुपए खर्च कर अपना इलाज कराना पड़ रहा है। जिले का बड़ा हिस्सा वनांचल और पहाड़ी इलाका है, जहां बेगा आदिवासियों की बड़ी आबादी रहती है। इनके लिए जगह जगह स्वास्थ्य केंद्र तो खोले गए हैं, लेकिन उससे भी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं सुधर पा रही है। जिला मुख्यालय के सबसे बड़े अस्पताल में संस्थागत प्रसव के मामले में लगातार कमी देखी गई है। आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि साल 2018 से मार्च से सितंबर तक 1851 संस्थागत प्रसव हुए हैं, जबकि इस साल ये संख्या घटी है, जिसकी वजह से सुविधाओं की कमी, जिसका लाभ प्राइवेट अस्पताल उठाकर मरीजों से मोटी फीस वसूल रहे हैं। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लगातार कोशिश की जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में स्थिति सुधर सकती है। पहले की तुलना में जिला अस्पताल में स्थिति है, और मैं चाहता हूं कि थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है और सुधार होगा, इतना मैं आश्वासन। और आपको बता दें कि जो अस्पताल है, इस अस्पताल में प्रसव जो होते हैं, उस प्रसव की संख्या में भारी गिरावट देखी गई है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये आ रही है कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बिल्कुल मुहैया नहीं हो पाती है, जिसके कारण जो आदिवासी हैं, बेगा आदिवासी हैं, और जो इलाका है पूरा बहुल आदिवासी क्षेत्र है, उन लोगों को प्राइवेट अस्पताल में जाकर इलाज कराना पड़ता है, और उसकी वजह से काफ़ी मोटी रकम प्राइवेट अस्पताल में वसूलते हैं, जबकि जिला अस्पताल में तमाम सुविधाओं के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा चुके हैं। फिर बावजूद इसके आखिरकार वो कौन सी वजह है जिसके कारण गरीब आदिवासियों को प्राइवेट अस्पताल का मुंह देखना पड़ता है? आप देख सकते हैं वीडियो में, यानी कि जितने भी स्वास्थ्य महकमा है वो यदि अस्पताल में सुविधाएं मुहैया करे, चाक चौबंद करे, तो लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। बहरहाल हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जुड़ चुके हैं, सौरा संवाददाता कवर्धा से। प्रदीप, साल दर साल संस्थागत प्रसव की संख्या घट गई है, जिम्मेदार अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन उनका एक जवाब रटा रटा है, वही आता है कि यहाँ पर प्रगति हुई है। क्या कुछ पूरा मसला है, आप सुझाना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि एक जिले का एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल जो है, यहाँ के पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और यहाँ के लोगों में जो है काफी इस हॉस्पिटल से उम्मीदें रहती है। लेकिन अगर आंकड़े देखे जाए 2018 के आंकड़े में प्रसव के जो केस आए हुए हैं 1851 केस आए हुए थे, लेकिन अब 2019 की अगर हम बात करें तो मात्र 1494 ही प्रसव के जो केस आए हुए हैं। इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि लोगों की जो विश्वास है वो जिला अस्पताल। प्रदीप, हमारे साथ डॉक्टर एस के तिवारी जी जुड़ चुके हैं, जो कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कवर्धा के, उनसे बातचीत करते हैं। तिवारी जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। जी सर, जिस तरह हम देख रहे हैं कि साल दर साल जो संस्थागत प्रसव है उसकी संख्या में कमी आई है, और जो आदिवासी क्षेत्र माना जाता है, बहुल आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर जो आदिवासी है वो प्रसव कराने के लिए प्राइवेट अस्पताल क्यों जा रहे हैं, एक सवाल ये उठ रहा है। नहीं नहीं, आंकड़े थोड़ा सा जो मैं बताया हूँ, आंकड़े थोड़ा सा डिफरेंस आप तो अलग बताऊँ, आंकड़े बढ़ा है संस्थागत प्रसव का जी, आंकड़े बढ़ा है पिछले साल से, 8000 के आसपास जा रहे हैं, और जो घर का जो प्रसव है वो काफी कमी आए हैं। घर में जो होता था ना, भले पिछले साल के 350 का था, आज के डेट में भी घर प्रसव केवल 95 है, मतलब काफी कमी आई घर प्रसव में जी, और संस्थागत प्रसव बढ़ा है। नहीं, लेकिन फिर ऐसे में बात ये उठती है, सवाल ये उठता है तिवारी जी, कि प्राइवेट अस्पताल में ये गरीब आदिवासी मजदूर, ये जो आदिवासी हैं वो महिलाएं क्यों जा रही हैं वहाँ पर प्रसव कराने के लिए? प्राइवेट में नहीं, अपने यहाँ संस्था में हो रहा है, जिला अस्पताल में हो रहा है, और प्राइवेट वालों को जो आंकड़ा बता रहे हैं जी, वो उतना नहीं कमी आया है, ये निश्चित बात पहले था, अभी जो आंकड़ा है संस्थागत प्रसव में काफी वृद्धि, और जो होम डिलीवरी है उसमें काफी कमी आई है जी। हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जुड़े हुए हैं कवर्धा से, सौरा संवाददाता ही है। प्रदीप, जिस तरह तिवारी जी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, जो कमी आई है उसमें जिम्मेदारी ये बनती है कि जो संस्थागत प्रसव है उसके लिए काफी बेहतर बता रहे हैं तिवारी जी, और आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे में जो सुविधा नहीं है उसकी वजह से ये संस्थागत प्रसव में कमी आई है। नहीं देखिए, जिस तरह से जिलाधिकारी जो है, स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, वो उन्होंने बोल रहे हैं कि
स्वास्थ्य विभाग में जो पहले से सुधार हुए हैं ये बात को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि वाकई में पहले की अपेक्षा इस गवर्नमेंट चेंज होने के बाद बेहतर हुआ है। लेकिन यही देखा जा सकता है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते जो है और कुछ जो मरीज होते हैं प्रसव के मामले के अलावा और जो कई ऐसे केस आते हैं जिसको निजी अस्पताल जो है रेफर कर दिया जाता है कहीं कहीं। यही तो सवाल उठता है, यही सवाल उठता है जो हमारे साथ तिवारी जी जुड़े हैं। तिवारी जी, यही सवाल उठता है कि आखिरकार प्राइवेट अस्पताल रेफर क्यों किया जा रहा है? जानकारी मेरी फट नहीं कर रहे हैं जी। बाकी कुछ स्वेच्छा से कुछ जाना चाहते हैं या कोई कुछ प्रॉब्लम है या गाड़ी उड़ी की है ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब संस्थागत प्रसव बढ़ा है, जिला अस्पताल में आंकड़े बढ़े हैं जी जी, और प्राइवेट वाले में जो है कुछ आंकड़े पहले की तुलना में काफी कमी आई है जी। यानी कि जाहिर सी बात है, यानी कि जो आपका स्वास्थ्य केंद्र है हम या फिर जिला चिकित्सालय की बात करें, वहाँ पर संस्थागत प्रसव को लेकर काफी मेहनत की जा रही है आपकी टीम के द्वारा, और जिसके कारण जो संस्थागत प्रसव को लेकर जो आंकड़े सामने आए वो वास्तव में उसमें और बेहतर करने की गुंजाइश है। बहरहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी, और साथ में हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।